हेलो फ्रेंड, पिछले कर एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं मोहम्मद सरताज, आपके बीच उपस्थित हूं जीएस का एक टेस्ट लेकर। दोस्तों, ये टेस्ट है पुरस्कारों से रिलेटेड, पुरस्कार से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनका टेस्ट के जरिए हम लोग समझेंगे दोस्तों कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, डिटेल में समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार स्टार्ट कब हुआ और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, फिर हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है पहली बार 1901 में स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? स्वीडन से स्टार्ट हुआ था। नोबेल प्राइज स्वीडन के वैज्ञानिक सर अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है। ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल प्राइज हर साल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें से एक है मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा है फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में, तीसरा आ जाता है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चौथा आ जाता है पीस शांति के क्षेत्र में, और पाँचवा आ जाता है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक, और छठा है लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में। तो दोस्तों, छः क्षेत्रों में दिया जाता है, छः क्षेत्रों में दिया जाता है। और इन क्षेत्रों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और ये कहाँ से दिया जाता है? स्वीडन से दिया जाता है। लेकिन जो शांति का पुरस्कार है, वो ओस्लो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया नोबेल प्राइज से जो जुड़े क्वेश्चन हैं बेसिक, उनके बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, नोबेल प्राइज की स्थापना किस देश ने की थी? तो हम लोगों ने समझ लिया था कि 1901 में 1901 ईस्वी में किसने स्टार्ट किया था? स्वीडन ने। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे सर अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में दिया जाता है। उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि नोबेल प्राइज की स्थापना का पहला क्वेश्चन जो था, नोबेल प्राइज की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने स्थापना की थी। और कब स्थापना हुई थी? तो 1901 ईस्वी में। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो इसमें हमने समझा था कि नोबेल पुरस्कार हर वर्ष स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। 5 क्षेत्रों के पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं, लेकिन जो शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में बांटा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। ऐसे स्टॉकहोम में बांटा जाता है, लेकिन अगर शांति का पूछा जाएगा तो वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। जब 1901 में नोबेल प्राइज स्टार्ट किया गया था तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। सबसे लास्ट में इकोनॉमिक में दिया जाना स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे अभी क्वेश्चन के माध्यम से। 1968 में पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन में। शुरुआत में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थी, निम्न में से छठा कौन सा है जिसे बाद में जोड़ा गया? छठा अभी हमने जिक्र किया था, इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र, जिसे 1968 में स्टार्ट किया गया। 1901 से केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, है ना दोस्तों, जिनमें इकोनॉमिक को 1968 ईस्वी में जोड़ दिया गया। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो दोस्तों, हमने बात की थी नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। पहले जब स्टार्ट हुआ था तब 5 क्षेत्रों में था, लेकिन अब 6 क्षेत्रों में हो गया 1968 के बाद। पहला क्षेत्र था चिकित्सा का, दूसरा था भौतिकी का, तीसरा था रसायन विज्ञान का, चौथा था शांति का, पांचवा था अर्थशास्त्र का, छठा था साहित्य का। दोस्तों, इसी तरीके से रटा होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग कि उन 6 से अतिरिक्त कौन सा। चिकित्सा का पहला था, फिर रसायन विज्ञान का था, अर्थशास्त्र का भी गिवन है, तो गणित का जो है वो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों ए पार्ट, गणित। गणित का जो है, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। गणित का नोबेल प्राइज कहलाता है। एक क्वेश्चन जो है हम लोग को याद रखना है कि मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज क्या कहलाता है। मैथमेटिक्स का ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहलाता है? तो वो है एबेल पुरस्कार। दोस्तों, इसको याद रखना है हम लोग को, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अब हम लोग कर रहे हैं। तो एबेल पुरस्कार जो है वो मैथमेटिक्स का
वो मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहलाता है, मैथमेटिक्स का, MNP, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज है ना, क्या एबेल पुरस्कार। पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन में, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दोस्तों स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था, स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था, स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। कब स्थापित किया था, 1968 में दोस्तों, 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता भारती अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध हैं अर्थशास्त्र में, किसमें प्रसिद्ध हैं, अर्थशास्त्र में। इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 1998 में, जो कि भारत की तरफ से अर्थशास्त्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो बात करेंगे कि भारत में अर्थशास्त्र, भारत से अर्थशास्त्र पाने वाले, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो है अमर्त्य सेन। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों, 1998 में उनको मिला था। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया, मतलब इस विषय में दिया गया, भारत में नोबेल पुरस्कार, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था, कौन सा विषय था। तो दोस्तों वो विषय था साहित्य, भारत में नोबेल पुरस्कार जो है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य विषय के लिए दिया गया था, साहित्य में दिया गया था। किसको दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। कब दिया गया था, 1913 में, जो कि भारत की तरफ से सबसे पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्ति थी। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था, किस विषय के लिए, साहित्य के लिए दिया गया था। याद रखना है दोस्तों, किनको प्राप्त हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त हुआ था। किस चीज़ के लिए प्राप्त हुआ था, उनकी एक कृति थी गीतांजलि, उसके लिए प्राप्त हुआ था। और कब प्राप्त हुआ था, 1913 में। तो इस विषय से रिलेटेड, इस टॉपिक पे हम लोग इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानेंगे। मैडम क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों के लिए मिले थे, तो उनको मिला था भौतिक तथा रसायन विज्ञान के लिए, ए पार्ट भौतिक तथा रसायन विज्ञान के लिए, ये इनको दो नोबेल पुरस्कार दो विभिन्न श्रेणियों में मिले हैं। तो ये दो, मतलब दो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है, दो बार इनको नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। अगले क्वेश्चन में पहुँचते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में पहुँचते हैं, किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, इसलिए इनको याद रखना है, किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है, किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये हैं हमारे वाल्ट डिज्नी, वाल्ट डिज्नी जो है, नाम याद रखना है, सी पार्ट है इनका, वाल्ट डिज्नी, इन्होंने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों ये है हमारा साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे दोस्तों, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य से रिलेटेड लोगों को दिया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1965 में। और इसे शांति प्रसाद जैन ने स्टार्ट किया था, और ये दिल्ली में दिया जाता है, है ना। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, जो है वो है आशापूर्णा देवी। तो इस तरीके से डी पार्ट सही आंसर बन जाता है। दोस्तों ये आप लोगों को जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। ये क्वेश्चन ये है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो दोस्तों
श्रीमती देविका रानी को मिला। ए पार्ट सही आंसर है। इन्हें कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था, 1969 में। दोस्तों 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? वो थी श्रीमती देविका रानी जी। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसे यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया, तो यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया है कलिंग पुरस्कार, यूनेस्को द्वारा है कलिंग पुरस्कार। दोस्तों इसको याद रखना है कि यूनेस्को द्वारा पुरस्कार प्राप्त है कलिंग। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड सुंदरी मतलब मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम महिला विजेता कौन थी? मतलब मिस यूनिवर्स की प्रथम महिला विजेता थी सुष्मिता सेन, भारत से, सुष्मिता सेन। 18 पे पहुंचते हैं। निम्न में से भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, पहला संगीतकार कौन था? पहला भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार, तो दोस्तों MS सुब्बुलक्ष्मी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डाउट होता है। MS सुब्बुलक्ष्मी जो है वो पहला संगीतकार थे जो भारत रत्न प्राप्त किए हैं। इसमें बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि लता मंगेशकर है, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है MS सुब्बुलक्ष्मी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को दिमाग में सेट करके रखना है हम लोग को, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग को दिमाग में सेट करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर MS सुब्बुलक्ष्मी है। पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन जो है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति है। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति है लाल बहादुर शास्त्री, सी पार्ट। इनकी जयंती जो है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है दोस्तों, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों। प्रथम भारत रत्न किसे मिला? तो दोस्तों ये तो पता होगा प्रथम भारत रत्न किसे मिला। प्रथम भारत रत्न डॉक्टर CV रमन को मिला था। कब मिला था? 1954 में मिला था। और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में, है ना दोस्तों, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों हम लोग। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कहाँ के थे? ये पाकिस्तान से रिलेटेड थे, और इन्हें दोनों देशों के, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाक से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है वो इंदिरा गांधी जी हैं, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है इंदिरा गांधी जी। आगे स्टार्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता कौन है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस समय ट्रेंडिंग में रहता है। अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये है नीरजा भनोट। इसको ध्यान में रखना है क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। मैन बुकर पुरस्कार 2008 प्राप्त करने वाली उपन्यास दी व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? दी व्हाइट टाइगर के लेखक जो हैं दोस्तों वो हैं अरविंद अलिंगा, अरविंद अलिंगा। तो इसको दोस्तों ध्यान में रखना है, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्स में पूछा जाने लगा है ये, तो ये नया क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में पहुँचते हैं दोस्तों, वीडियो के लास्ट सेशन में हम लोग। इसमें यह है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो इसके लिए 1 करोड़ राशि प्रदान की जाती है, 1 करोड़। दोस्तों शांति पुरस्कार, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? 1 करोड़ रुपए प्रदान की जाती है। कलिंगा पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कलिंगा पुरस्कार दोस्तों यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। डी ऑप्शन सही बन जाता है इसका। हम लोगों ने देखा था एक क्वेश्चन इससे पहले कि किस पुरस्कार को यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है, तो उसका सही आंसर कलिंग पुरस्कार बना था। दोस्तों इस तरीके से हमने इतने पॉइंट्स पे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड बात कर ली, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, भारत रत्न से रिलेटेड और कलिंग पुरस्कार से रिलेटेड, बहुत से पुरस्कारों से रिलेटेड हमने बातें कर ली। तो दोस्तों ऐसे हम लोग प्राइज़ से रिलेटेड टेस्ट लिए हैं, अब आप लोग चेक करिएगा
कि कितने क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग सही कर पाए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन इन यही 25 क्वेश्चंस में से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को मिस मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे चैनल कुशीनगर एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो। और हमारे चैनल पर जो ट्रिक है, ट्रिक से रिलेटेड जो भी वीडियो है, उनको एक बार ज़रूर वॉच करिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट में प्लीज़ अपने आंसर डिटेल में ज़रूर सेंड करिएगा, जिससे थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।